करना चाहेंगे हम हर चीज में बेफक। Hey yo, good morning show gang, and कैसे हैं आप लोग? तो यार आज कॉलेज का फर्स्ट डे था, आई मीन सेकेंड डे था, लेकिन जो फर्स्ट डे था वो हम नहीं गए थे, तो इसलिए मेरा ये सेकेंड डे था। अब फर्स्ट डे सेकेंड डे जो भी हो, मेरा तो फर्स्ट डे था ना। तो एक्चुअली 29th of February फर्स्ट डे था कॉलेज का। तो हम उस दिन गए कॉलेज, कोई नहीं था। 9 o'clock से कॉलेज था, 9:15 हो गए, कोई नहीं था। 9:45 तक कोई नहीं था, मतलब कॉलेज ने हम बंग मार दिया हनीफ लोगों के साथ, जो कि हम लाइव आए थे इंस्टाग्राम पे, बहुत देर बात किए थे आप लोगों से। और इंस्टाग्राम से याद आया, जो दोस्त आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जल्दी से फॉलो करो यार। एंड उसके बाद हम घर गए, मम्मी पापा पूछे ये कॉलेज गए थे, तो हम बोले हाँ गए थे ना यार, पढ़ाई हुआ नहीं हुआ ना, जल्दी क्यों आ गए, आज फर्स्ट डे था इसलिए लेट हो गया, मतलब जल्दी हो गया। फिर सर मेरे कॉल कर दिए पापा को, हेलो आपका बेटा नहीं आया था कॉलेज, मेरा घर में हो गया आराम से। उसके बाद आज गए कॉलेज, दो पीरियड अटेंड किए, ऐसा बोर हुआ बंक, मतलब एक पीरियड और बाकी है, नेक्स्ट वीक से लैब होगा, आज लैब था तो इसलिए आफ्टरनून क्लास नहीं हो पाएगा, तो हम बंक मार दिया, अभी घर जा रहे हैं। तो यार बहुत बोर हो चुके हैं, थक गए हैं बहुत निंजा, तो बहुत थक गए हैं। और यार मामू बेचारे धूप में खड़ के ट्रैफिक को रूल फॉलो करवा रहे हैं, और यहाँ पे पैसा देखो हाथ में यार मामू के। तो चलते रहते हैं, क्या देखने को मिलता है। वैसे मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर को मेरा नंबर मिल गया, आई डोंट नो हाउ, तो नंबर मिल गया है मेरा। तो यार प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, वो कॉल मत कर दिया करो प्लीज़, क्योंकि हम घर में बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ये जो वीडियो बनाते हैं एडिट करना पड़ता है, एडिट करके अपलोड करना पड़ता है। वैसे सब लोग तो लैपटॉप ही से अपलोड करते हैं, लेकिन हम लैपटॉप से नहीं, हम पहले लैपटॉप में एडिट करते हैं, लैपटॉप में प्रोसीड करते हैं, एडिट इतना देर करते हैं, उसके बाद छोटे वाले फ़ोन में जो रिकॉर्डर पहले यूज़ करते थे उस पर हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद हम वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और वीडियो जो है वो थंबनेल के लिए वो सब लेके हम अपने बड़े वाले फ़ोन में हम ट्रांसफ़र करते हैं और बड़े वाले फ़ोन से अपलोड करते हैं। बहुत झंझट है मालूम है, लेकिन हम नहीं चाहते बड़े वाले फ़ोन को डायरेक्ट हम कनेक्ट करें उससे, और क्या नाम है लैपटॉप से, क्योंकि लैपटॉप में वायरस हो सकता है, तो हम अपने फ़ोन को ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए हम छोटे वाले फ़ोन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो प्लीज़ हमको व्हाट्सएप पर मैसेज मत करा करो और हमको कॉल मत करो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। इंस्टाग्राम पे कभी बहुत लोगों से बात हो जाता है, फेसबुक पे भी बात हो जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का भी तो बात हो जाता है यार, लेकिन कॉल मत करो, मतलब थोड़ा प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाता है मेरा, क्योंकि हम घर में अकेले रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, मतलब किसी से बात करने का एक्चुअली मन नहीं करता हमको। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप, तो कॉल मत करना। तो बहुत लोग हमसे पूछे हैं कि हम किस चीज़ में बेस्ट हैं, लाइक मोटर ब्लॉगिंग बहुत लोगों को मेरा पसंद है, और किस चीज़ कौन सी चीज़ में हम मतलब ऐसे ही हैं बेस्ट हैं करके, तो हम बताना चाहेंगे हम हर चीज़ में बेस्ट। हाँ तो हम बताना चाहेंगे हम हर चीज़ में बेस्ट है एक्सेप्ट स्टडीज़, वो छोड़ के यार हर चीज़ में मल्टी टैलेंटेड है हम आदमी, ड्राइंग, डांस, स्केटिंग, रोलर स्केट, फिर जो भी बोलो यार, टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, फुटबॉल सेकेंड टाइम मुझे मालूम है, क्रिकेट, और क्या बचा, स्मैशिंग, हर चीज़ में बेस्ट है यार। हर चीज़ में बेस्ट एक्सेप्ट स्टडीज़। वैसे अभी बहुत गंदा वाला, हम टकराने वाले थे वाली गाड़ी से गैप मारते टाइम, बच गया, किस्मत था, मतलब फुल डिसाइड होगा, हाफ क्लच वाला बैलेंस कर लिए। अब बहुत लोग पूछते हैं हाफ क्लच का क्या राज है, क्योंकि हम जब भी ओवरटेक करते हैं हाफ क्लच मार के करते हैं, उसे क्या राज है? तो उसका राज है कि हमको कंफर्टेबल लगता है उसमें, इजी हमको लगता है ओवरटेक करना, वाला फुल क्लच में मारो या फिर क्लच बंद करके मारो तो थोड़ा दिक्कत होता है। ये लोग रेड लाइट है सिग्नल में तो आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ बढ़ के उन लोगों को रोकेंगे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ग्रीन सिग्नल आया तो निकल जाएंगे, इन लोगों लगे सिग्नल नहीं तोड़ा, तो धीरे धीरे तुम आगे बढ़ रहे हैं चूहे का तरह, चूहा धीरे नहीं भागता है शोएब, एकदम हल्का हल्का बढ़ जाओ आगे एकदम, पर मैं ये गाड़ी तो मेरे से पीछे थी, धीरे धीरे आगे बढ़ गई, अब भाई ग्रीन सिग्नल और आगे बढ़ गए सब। एंड सावनदुर्गा हिल्स का जो वीडियो है बहुत लोगों को पसंद आया, स्पेशली वो हायाबुसा वाला जो चेस किए थे बहुत लोग पसंद आया है, लेकिन मेन बात क्या है यार, जो हायाबुसा वाला वीडियो है उसको मोनेटाइज नहीं किए हैं, मोनेटाइज किए हैं लेकिन उसमें कॉपीराइट आ चुका है, क्योंकि उसमें जो हम गाना एंड में यूज़ किए हैं, जो कि एक मेरे
इंट्रो में था तो वो हमको कॉपीराइट क्लेम कर दिया, तो आई कैन अर्न मनी ऑन दैट वीडियो ब्रो, इट्स ओके, आई डोंट फकिंग केयर. तो हम क्या बोल रहे थे, तो और राइड का है वीडियो, तो हम सोच रहे हैं संडे संडे राइड करते रहे, लॉन्ग राइड हो या शॉर्ट राइड हो या कोई भी राइड हो, लेकिन संडे संडे हम अलग अलग जगह जाएंगे, और मंडे टू सैटरडे मेरा तो कॉलेज रहेगा तो हम उसमें डेली व्लॉग करेंगे, और जो संडे को लॉन्ग राइड का वीडियो रहेगा उसको हम दो तीन पार्ट में डिवाइड करके मंडे ट्यूसडे वेंसडे को डालेंगे. तो आइडिया कैसा है भाई, कमेंट मारो क्या हम ऐसा करें. और बहुत लोगों ने बोला कि आपकी गाड़ी तो 250 सीसी है तब भी 136 से ऊपर क्यों नहीं गई, जो हायाबुसा वाला वीडियो है. एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा जो पीछे बैठा हुआ था ना बंदा, वो बहुत ज़्यादा हल्का था, 75 केजी का था बस, और मेरा 55 तो जो पीछे बैठा था वो 75 केजी का था, और हम गाड़ी सर्विस में दिए थे, इसलिए अभी आप नोटिस कर रहे होगे कि पिकअप पता नहीं मर गई है, शायद क्लच लूज किए हैं, क्योंकि फुल क्लच में ही आगे बढ़ी है गाड़ी. तो अभी हम जाके क्लच टाइट करवाएंगे और हैंडलिंग बढ़ाएंगे और डबल स्टैंड हटाएंगे, कॉर्नरिंग ईजी कर सकें नेक्स्ट टाइम जब भी होगा. तो इसलिए मेरा 136 से ऊपर नहीं गई, क्योंकि हम डबल राइड पे थे, डबल राइड पे वो भी 75 केजी का था, तो उतना गाड़ी भाग नहीं रही थी उस पर से, पता नहीं क्यों सर्विस के बाद स्लो हो गई थी, वो बोला था स्लो चलाने एक दो वीक के लिए, उसके बाद गाड़ी का मारो अच्छे से कोई बात नहीं. तो इसलिए हल्के गई गाड़ी मेरी, वरना उस टॉप स्पीड हम पकड़े थे 156, वो भी जो ड्रैग रेस वाला हम वीडियो बनाए थे, जो RS 200 वर्सेस पल्सर 220, फिर हीरोसन 250 वर्सेस पल्सर 220 जो मेरी गाड़ी है, तो उसका हम ड्रैग रेस बनाए थे वीडियो, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि गाड़ी की पिकअप कैसी है मेरी, जो हीरोसन 250 को हराने आ गई थी, और एंड में हम खुद हार गए, वही मेरे पागलपंती की वजह से, क्योंकि हम चाहते थे कि मतलब मेरा हाई RPM था, उसमें आप नोटिस किए होंगे रेड ब्लिंक करने लगा था हाई RPM का, हम सोचे कि अब ऐसी भी आ गई है तो लाइन क्रॉस कर देंगे तो अच्छा एग्जॉस्ट का आवाज़ आएगा, लेकिन तब तक वो इतने से आगे निकल गई, ये समझो फिनिश लाइन वो यहाँ पे आ गए, यही होगा हो गया था सीन मेरा. तो कोई बात नहीं यार, होता है, हर के जितने ही वाले को कहते हैं जो भी बोलता है, बस बोल देता है. और ये ट्रैफिक है यार, आज तो यार बहुत शेकिंग था बनावट्टा रोड में. That is the vlog guys, and thank you मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. तो चलते हैं, वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 1 लल्लोरी दूध की कटोरी, हाँ तो एम करते हैं 1500 लाइक्स है, तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो सब पर, एंड दोज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ शो गैंग देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिकॉज इट्स एवरी डे ब्रो, एंड दोज For not following me on Instagram, do follow me, link in description. And chalte hain, have a good day, boys.